नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आधुनिक भारत के इतिहास का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 26 होगा। इसके पहले हमने 25 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वो सारे लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री जो है डिटेल पार्ट हमारा पहले से पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वो पूरा डिटेल पार्ट देखने के बाद अगर आप एमसीक्यू सीरीज को पढ़ेंगे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो है पूरे इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट जो है पोर्शन है, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो पूरी एमसीक्यू सीरीज है ये चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है और सेल वाइज क्वेश्चन अरेंज किए हुए हैं, और इसके पूरी डिटेल भी हम आपको बताते जा रहे हैं ताकि आपका जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के लिंक हो और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। @SHRI Education लिख के सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है देव समाज। तो देव समाज का संस्थापक जो है निम्न में से कौन था ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर पिछले लेक्चर्स की जितनी भी सीरीज आपने इसकी देखी होगी तो हमारा जो चैप्टर है वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा, देव समाज के जो संस्थापक थे वो है शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो है लाहौर में 1887, कब 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। और शिव नारायण अग्निहोत्री जी के बारे में बताएं कि ये जो है पहले से ही जो है ब्रह्म समाज को फॉलो करते थे, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। एक्चुअली क्या हुआ, 1887 में इन्होंने स्थापना कर दी देव समाज की, तो बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। मगर जब 1913 में जो है इन्होंने अपने पुत्र जिसका नाम था देवनांद, क्या नाम था, देवनांद जिनका नाम था, उनको जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो उसके बाद इस आंदोलन का जो है लोकप्रियता समाप्त हो गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्याशोधक जो समाज है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने 1873 ईस्वी में सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिए, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्याशोधक समाज की जो है स्थापना की थी। और याद रखिएगा, जो ज्योतिबा फुले हैं इनका जो जन्म है 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था, तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुलामगिरी जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है। उत्तराखंड पीसीएस में देखिए इस बार इस तरीके से आया था, 2012 में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी। तो हमने आपको बता दिया, ज्योतिबा फुले ने। और जैसा कि हमने बताया इसके बारे में, जो पुस्तक है गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी गई है, तो 2000 में आया था यूपीपीसीएस में। गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। और ये भी आता है कि मतलब जो सत्यशोधक जो है आंदोलन भी इन्होंने चलवाया था, तो इस तरीके से भी पूछा हुआ था। यूपीपीसीएस 2009 में सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फुले ने चलाया था। ठीक है, देखिए यूपीएससी 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस तरीके से पूछा हुआ था, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया गया था। और यह जो है सत्यशोधक समाज जो है ये निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए जो है ये चलाया गया था। तो एक्चुअली ये जो समाज जो था ये था तो निम्न जो दलित और निम्न जाति के लोगों का था, के कल्याण के लिए था, मगर इन्होंने जो है इस समाज ने खुलेआम विरोध किया था ब्राह्मण जाति का, तो इसलिए जो है महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस तरीके से यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोध जो है आंदोलन। ठीक है, क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई थी 1873 में ये ज्योतिबा फुले के द्वारा, तो ये जो है पुणे में ही इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। दोस्तों राधाकांत देव, नाम क्या है, राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ने जो है 1830 में, 1830 ईस्वी में बंगाल में जो है धर्म सभा की स्थापना की थी। क्या, धर्म सभा की स्थापना की थी, कब, 1830 में। और इसकी स्थापना करके जो है सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया
और रूढ़िवादियों का जो है समर्थन किया। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये 2002 यूपीपीएससी से में पूछा हुआ था, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो है वो शिवदयाल साहब थे, ठीक है, शिवदयाल साहब। तो याद रखिएगा राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1861 में हुई थी, कहाँ पे, यूपी में, यूपी में कहाँ पे, आगरा, कहाँ, आगरा, किसके द्वारा, शिवदयाल साहब के द्वारा। शिवदयाल साहब जो है स्वामी जी महाराज के नाम से भी जो है बहुत ही फेमस थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरी देशमुख को, ठीक है, गोपाल हरी देशमुख। तो महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक थे वो गोपाल हरी देशमुख बहुत ही ज्यादा फेमस थे। जो गोपाल हरी देशमुख थे ये जो है 1880 में जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे, याद रखिएगा। और इनको जो है लोकहितवादी जो है कहा जाता था, अब ये तो आपको याद रखना ही है, बहुत बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया किसने किया? विष्णु परशुराम पंडित ने। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है विधवा पुनर्विवाह हेतु जो प्रथम अभियान का नेतृत्व जो है वो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। तो विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना जो है विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा की गई है 1850 में। विडो रीमैरिज सोसाइटी या विधवा पुनर्विवाह जो अभियान है ये 1850 में विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा जो है चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो 19वीं सदी के जो जो बहुत ही महान पारसी समाज सुधारक है वो कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी जो है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। इनका जन्म जो है 1853 में हुआ था, एक पारसी परिवार में हुआ था बड़ौदा के अंदर। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बड़ौदा के अंदर हुआ था, एक पारसी फैमिली के अंदर हुआ था। तो इन्होंने जो है बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में जो है एक परिपत्र का संपादन किया था। और ये बात याद रखें कि लिए जो है एग्जाम में पूछी जाती है, 1891 ईस्वी में जो है सम्मित आयु अधिनियम जो है इन्हीं के प्रयासों के द्वारा सफल हुआ था, या बोले एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है इन्हीं के प्रयासों के द्वारा जो है वो पारित हुआ था, याद रखिएगा कब, 1891 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जैसे झारखंड पीसीएस में ये पूछा हुआ 2013 में, बताता हूँ किस तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में, ठीक। नाम पूछ लिया जाए किसके प्रयासों से ये हुआ था, तो बहराम जी एम मालाबारी। अगला क्वेश्चन देखिए है, पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है विधवा पुनर्विवाह भी है और स्त्री शिक्षा के लिए भी इनका नाम आता है। तो आपको मैं बता दूं जो डी के कर्वे थे ये बहुत ही बड़े जो है बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और इन्होंने जो है विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इन्होंने। इन्होंने जो है राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह जो है आंदोलन का संचालन भी किया था, और इन्होंने विधवाओं को शिक्षा देने के लिए जो है विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी, विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी इन्होंने। और इस आश्रम का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो विधवाएं औरतें हैं उनको जो है अच्छी शिक्षा दी जा सके और उनको जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सके। डी के कर्वे बोले या धोंदो केशव कर्वे जो थे ये विधवा पुनर्विवाह संघ के जो है सचिव थे। इन्होंने जो है 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? बम्बई में जो है इन्होंने 1906 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और स्क्रीन पर जो चार आपके वीडियो आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको जो है सभी अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, उस पर सब जानकारी आपको दी गई है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से सारे जो है लेक्चर सीरीज आप देख सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है स्टडी मटेरियल हमारा जो है वो आसानी से आपको प्रोवाइड करवा सके हम। तो हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।